अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक महिला ने पुलिस अधिकारियों से अन्याय की गुहार लगाई है। शिकायत कर बताया कि वह एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करती है। कुछ विवाद को लेकर उसके साथी कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले का राजीनामा करने के लिए आरोपी लगातार उसे धमका रहे हैं। राजीनामा नहीं करने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे। महिला के साथ मारपीट करने का एक वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के बीजासेन माता मंदिर के पीछे महलगांव में रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत कर बताया है कि वह SBI क्रेडिट मैक्स स्टोर ब्रांच स्थित सिटी सेंटर पर नौकरी करती है। ऑफिस के ही मोनू चौरसिया द्वारा ऑफिस के स्टूल पर बैठने को लेकर 20 नवंबर 2022 को विवाद हो गया था। इस पर कर्मचारी मोनू चौरसिया और शुभम ओझा ने उसे बाल से पकड़कर लात घूंसों से पीटा था। इस पर उसने डॉयल 100 पर कॉल लगाकर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मारपीट करने वाले मनोज चौरसिया को पकड़कर थाने ले गई थी। इसकी शिकायत उसने विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर उन दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन उसे जमानत पर पुलिस ने रात को ही छोड़ दिया था। जब वह दूसरे दिन ऑफिस पहुंची तो दोनों कर्मचारी उसे राजीनामा करने के लिए धमकाने लगे और मना करने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार उसे फोन करके राजीनामे के लिए धमका रहे हैं। उसके साथ मारपीट का CCTV फुटेज भी उसने पुलिस को दिखाया था, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। जब इससे भी उन दोनों कर्मचारियों को मन नहीं भरा तो उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब वह इसकी शिकायत अपने ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साथ ही वह नौकरी से निकलवाने की धमकियां भी दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला ने शिकायत कर अपने ही ऑफिस के दो कर्मचारियों द्वारा उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला थाने में दर्ज कराया था। इसके राजीनामा करने के लिए उसके ऑफिस के कर्मचारी उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महिला के साथ मारपीट करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मारपीट हुई, छेड़छाड़ हुई, मुझे इस प्रकरण में हमें सिर्फ पुलिस अधिकारियों से इस संबंध के बारे में मुझे कार्रवाई चाहिए, उनके खिलाफ FIR करवानी है, सब यही मैं कहना चाहती हूँ। जी, मारपीट का मेरे पास वीडियो है जो कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, उसमें मेरे साथ मारपीट हो रही है, छेड़छाड़ी हो रही है। हमारा मैक्स स्टोर पर लोकेशन दी जाती है, मैं SBI क्रेडिट कार्ड में हूँ और मैक्स स्टोर के जस्ट बाहर मेरी मारपीट की गई है सड़क पर। कई बार कॉल आ चुके हैं राजीनामा के, तो मैंने राजीनामा के लिए मना कर दिया है। मुझे सर मुझे बस उन लड़कों को गिरफ्तार करवाना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और FIR हो उनके खिलाफ।